यहां पर दोस्तों आप सभी देख सकते हो इस चैनल पर मात्र 24 वीडियो बनाकर अपलोड करी, 24 वीडियो अपलोड करने के बाद इसके YouTube चैनल पर 2,40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम इसके YouTube चैनल पर अर्निंग की बात करें तो इसके YouTube चैनल पर $6,000 से लेके $1,00,000 तक की अर्निंग हो रही है। अगर हम इन दोनों के बीच की अर्निंग की बात करें तो इसके YouTube चैनल पर $10,000 से $15,000 की अर्निंग हो रही है। अगर हम $10,000 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो यहां पर देख सकते हो 8,17,000 के आसपास अर्निंग हो रही है। और ये भाई अपने YouTube चैनल पर कुछ भी खास काम नहीं करता, कोई अपना फेस नहीं दिखाता, कोई अपनी वॉइस ओवर नहीं करता, सिर्फ गूगल से फोटोस लेकर उसको अच्छे से एडिटिंग करके म्यूजिक लगाकर वीडियो बनाकर YouTube पे काम करके अपने YouTube चैनल से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को इसी तरह का कंटेंट बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल से फोटोज कॉपी करके एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो, वो भी आप सभी को सिखाऊंगा मोबाइल से बनाना। सबसे पहले मैं आपको इसके चैनल पे लेके चलता हूं। यहां पर देख सकते हो इसके चैनल पर कितने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। 4 दिन पहले वीडियो बना के अपलोड करी 40,000, उसके बाद 68,000 व्यूज, उसके बाद 5,00,000 प्लस व्यूज, उसके बाद 2.9 मिलियन व्यूज। इसकी जितनी भी वीडियोस है हर वीडियोस पे लाखों में, मिलियंस में, हजारों में व्यूज आ रहे हैं। और अपने YouTube चैनल पर गूगल से फोटो कॉपी करके अच्छा खासा YouTube से पैसा कमा रहा है, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आपको सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से कंटेंट आपको बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंडिया के लिए कंटेंट बनाना चाहते हो तो आप इंडिया के लिए भी बना सकते हो। अगर आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन अदर कंट्री के लिए कंटेंट बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी इस तरीके की वीडियो बना सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी वीडियो पे व्यूज कम आएंगे और आपकी वीडियो बाहर अदर कंट्री में देखी जाएगी, वहां का सीपीएम आरपीएम बहुत ही ज्यादा हाई होता है, कम व्यूज पे भी बहुत अच्छी खासी अर्निंग आपकी हो जाएगी। अब आपको वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर लेना है कि आपको इंडिया के लिए कंटेंट बनाना है, आपको अदर कंट्री के लिए कंटेंट बनाना है। बिल्कुल इजी कंटेंट है, गूगल से फोटोस लेके एडिट करके म्यूजिक लगा के आपको वीडियो बनानी है। यहां पर आपने व्यूज अच्छे खासे देख लिए कि कितने अच्छे खासे इसकी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं। अब यहां पर आपको वीडियो बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले इसकी वीडियो प्ले करके दिखाता हूं कि ये किस तरीके की वीडियो बनाता है। यहां पर देख सकते हो इस तरीके से रिचेस्ट यूट्यूबर 2022 की, इंडिया के रिचेस्ट यूट्यूबर 2022 के कौन से हैं या फिर रिचेस्ट एक्टर कौन से हैं, इस तरीके से ये वीडियो बनाता है। ऐसे ही आपको वीडियो बनानी है, जैसे इंडिया के मोस्ट प्लेसेस देख लेना, इंडिया के रिचेस्ट एक्टर, इंडिया के यूट्यूबर्स कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनकी फोटोज लेके आपको वीडियो बनानी है। इसी तरीके से आप अदर कंट्री के जो भी रिचेस्ट है, जो भी टूरिस्ट प्लेस है अच्छे खास जो देखने पसंद किए जाते हैं, उनकी फोटोज लेके वीडियो बना सकते हो। यहां पर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूं, जैसे कि यहां पर मैं रिचेस्ट यूट्यूबर दिखाता हूं। यहां पर मैंने प्ले किया, वीडियो पे एड भी आ रहा है, अच्छा खासा चैनल मोनेटाइज है, पैसे भी कमाए जा रहे हैं, वो आप यहां पर लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हो। क्योंकि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स का ये डाउट होता है, बहुत सारी ऑडियंस का डाउट होता है कि क्या ऐसे चैनल मोनेटाइज होंगे। सिंपल फोटो ली, फोटोज लेकर यहां पर एक काम किया जा रहा है, देख सकते हो। और यहां पर चैनल मोनेटाइज है भाई, मैं वो भी प्रूफ आपको देता हूं। ये देख सकते हो थैंक्स का ऑप्शन मिला है, चैनल मोनेटाइज है। यहां पर देख सकते हो फोटोज यूज करके वीडियो बनाई जाती है, इसी तरीके से आप वीडियो बना सकते हो। तो वीडियो बनाने के लिए आपको 3 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इमेज सर्च, जो कि प्ले स्टोर पे आपको फ्री में मिल जाएगी, उसके बाद गूगल क्रोम जो कि हर किसी के मोबाइल में होता है, काइन मास्टर, आप काइन मास्टर का यूज करते होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैं वीडियो बनाना चाहता हूं इंडिया के टॉप 5 यूट्यूबर कौन से हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूं, तो आप इसी तरीके से कुछ भी टॉपिक सिलेक्ट कर लेना। तो आपको गूगल क्रोम में आ जाना है और यहां पर मैं लिख देता हूं इंडिया के टॉप 5 यूट्यूबर, इंडियन टॉप 5 यूट्यूबर। यहां पर मैंने सर्च किया, इसी तरीके से आप अपने टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर देना। और यहां पर देख सकते हो इंडिया के टॉप 5 यूट्यूबर्स की लिस्ट आ चुकी है। अगर यहां पर आप रिचेस्ट एक्टर सर्च करोगे इंडिया के, वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आप टूरिस्ट प्लेस सर्च करोगे वो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से यहां पर देख सकते हो, यहां पर 5 नंबर पे है संदीप महेश्वरी, 4 नंबर पे है बीबी की वाइंस,
आपको ऐसे वीडियो नहीं बनानी, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इस तरीके से वीडियो बनाओगे कोई भी आपकी वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेगा। आपको इस तरीके से वीडियो बनानी है, जैसे नंबर 5 पे संदीप महेश्वरी, नंबर 4 पे बीबी की वॉइस, इस तरीके से आपको वीडियो बनानी है ताकि एक नंबर वाले यूट्यूबर्स को देखने के लिए ऑडियंस जो भी वीडियो को देखेगी पूरा वॉच करेगी और आपकी वीडियो की रीच इंक्रीज होगी, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अब यहां पर आपने सर्च कर लिया, उसके बाद आपको इमेज सर्च पे आना है। इमेज सर्च पे अब नंबर 5 पे कौन था, संदीप महेश्वरी। यहां पर मैं संदीप महेश्वरी सर्च करूंगा, उसकी फोटोस आ जाएगी, इन फोटोज को आप डाउनलोड कर लेना। जैसे इस पे डाउनलोड करूंगा गैलरी में ओपन हो जाएगी, मतलब डाउनलोड हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमेज वही डाउनलोड करना जिसपे कुछ ना लिखा हो, कोई भी कंपनी का लोगो ना हो, वो इमेज आपको नहीं लेनी। जैसे आप सर्च कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको आना है काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आपको आ जाना है। जैसे ही काइन मास्टर ओपन करोगे तो आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल एक एक चीज आपको समझाऊंगा। जैसे ही काइन मास्टर ओपन करोगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, 16.9 पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है और यहां पर आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब वीडियो बिल्कुल ध्यान से समझना, यहां से एक भी पॉइंट मिस करोगे वीडियो आपको बनाना नहीं आएगी, फिर आप मेरे को बाद में बोलोगे कि सर आपने सही से नहीं समझाया। यहां से अब आपको वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेनी है, मीडिया पे जाना है, उसके बाद इमेज असेस्ट पे जाना है। यहां पर काफी सारी आपको बैकग्राउंड मिल जाएगी कलर वाली, तो आपको अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड ले लेनी है। जैसे मैं ब्लैक बैकग्राउंड या फिर व्हाइट बैकग्राउंड यहां पर ले लेता हूं, व्हाइट बैकग्राउंड मैंने यहां पर ले ली। उसके बाद यहां पर आपको इस बैकग्राउंड को इस तरीके से बड़ा कर देना है। आपको एक मिनट दो मिनट की वीडियो बनानी है, इस तरीके से आपको एक मिनट दो मिनट तक इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। जैसे ही कर दिया, अब मैं टॉप 5 इंडियन यूट्यूबर्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा टॉप 5 इंडियन यूट्यूबर्स। आपको उसी हिसाब से टॉप 5 एक्ट्रेस हो गए वो लिख देना। कैसे लिखना है, लेयर बटन पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, और यहां पर सबसे पहले मैं इंडिया पे बना रहा हूं तो इंडिया का फ्लैग यहां पर लिखूंगा, मतलब की लगा दूंगा। उसके बाद टॉप 5 इंडियन यूट्यूबर यहां पर मैं लिख दूंगा, इस तरीके से लिख के, और यहां पर दोनों तरफ फ्लैग लगा दूंगा और ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। और इसका आपको कलर कैसे चेंज करना है, कलर पे जाओगे, यहां पर रेड कलर कर दोगे, ओके कर दोगे, देख सकते हो इस तरीके से कलर आ जाएगा। और यहां पर आपको इस हिसाब से इसको पकड़ के पूरा एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट कर दिया, अब यहां पर आपको इसको इस पे क्लिक करना है, जो आपने लिखा है इसको आपको पूरा वीडियो पे करना है, चाहे आपकी एक मिनट की वीडियो हो चाहे आपकी दो मिनट की वीडियो, ऐसे पकड़ा और ऐसे खींच दिया, पूरा वीडियो पे आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा वीडियो पे कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 लिखना है। 5 कैसे लिखना है, लेयर बटन पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, और यहां पर आपको 5 लिख के ओके बटन पे क्लिक कर देना है, और इसको बड़ा करके इसका कलर आपको ब्लैक कर देना है, इस तरीके से ब्लैक कर देना है, ये देख सकते हो। और इसका आपको फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट कैसे चेंज करना है, इस पे क्लिक करके फॉन्ट पे जाके यहां पर आपको बोल्ड कर देना है, बोल्ड करके यहां पर इस तरीके से 5 आ जाएगा। उसके बाद आपको 5 पे क्लिक करना है, इन एनिमेशन में जाना है, पॉपअप पे जाके 1.5 के बीच में इसको कर देना है, 1.5 के बीच में इस तरीके से कर देना है। मैं प्ले करके दिखाता हूं, इस तरीके से टॉप 5 आएगा, और इसको आपको कम कर देना है, इतना कम कर देना ताकि आपकी ऑडियंस बोरिंग ना हो, इस तरीके। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, इमेज लेके आना है। किसका इमेज लेके आना है, टॉप 5 कौन है, संदीप महेश्वरी। लेयर बटन पे जाओगे मीडिया में जाओगे, मैंने पहले से इमेज डाउनलोड कर रखी है, यहां पर संदीप महेश्वरी की फोटो मैं ले लूंगा और इसको हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहां पर आपको करना क्या, नीचे आपको यूट्यूबर्स के नाम जरूर लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, लेयर पे जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे, यहां पर संदीप महेश्वरी की यूज कर रहा हूं, संदीप महेश्वरी लिख दूंगा यहां पे और ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। इसका भी आपको कलर चेंज कर लेना है, जैसे मैं ब्लैक कर लेता हूं और यहां पर मैं इसको इस तरीके से नीचे लगा दूंगा, ये देख सकते हो संदीप महेश्वरी की फोटो आ गई लिख गई। अब आपको दोनों पे एनिमेशन लगाना है, फोटो पे क्लिक करना है, इन एनिमेशन पे जाना है, स्लाइड राइट करके 1.5 पे क्लिक कर देना है, 1.5 पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको संदीप महेश्वरी वाला जो लिखा उस पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन पे जाना है, स्लाइड राइट करके इसका 1.5 कर देना है। उसके बाद देख मैं प्ले करके दिखाता हूं, यहां पर 5 आया,
उसके बाद यहाँ पर 5 उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से फोटोसाई देख सकते हो, फोटोसाई, और आपको इनको कम ही रखना है ताकि आपकी ऑडियंस बोरिंग ना हो, कम आपको रखना है इस तरीके से यहां पर। उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, इसके चैनल का आपको एक स्क्रीनशॉट लगा देना है, चैनल का स्क्रीनशॉट लेके लेयर पे जाओगे, मीडिया पे जाओगे, मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो यहां पर मैं संदीप महेश्वरी का यहां पर इस तरीके से स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। इन एनिमेशन में जाऊंगा, यहां पर आप कोई भी एनिमेशन लगा सकते हो, जैसे ये इस तरीके से ड्रॉप लगा सकते हो। अब मैं प्ले करके दिखाता हूं, यहां पर टॉप 5 आया, उसके बाद यहां पर संदीप महेश्वरी की फोटो आई, नाम आया, उसके बाद इसके चैनल का इस तरीके से संदीप महेश्वरी का वो आ चुका है, ये देख सकते हो। उसके बाद आपको इसको जितना लेना है ले सकते हो, उसके बाद छोटा कर दो। इसी तरीके से आपको 4 लेना है, जैसे मैं 4 लेना चाहता हूं तो यहां पर 5 पे क्लिक करूंगा, 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट कर दूंगा, डुप्लीकेट करके इसको पकड़ के आगे ले आऊंगा इस तरीके से, ताकि आपका वही की वही सेम रहे। यहां पर देख सकते हो इस तरीके से गया, और यहां पर इसको एडिट में जाऊंगा और यहां पर मैं इस पे लिख दूंगा 4, इस तरीके से 4 लिख दूंगा। आप देख सकते हो यहां पर आया, अब 4 आ चुका है। अब 4 नंबर पे कौन सा यूट्यूबर है उसकी फोटो आपको यहां पर लगा देनी है। लेयर पे जाऊंगा, मीडिया पे जाऊंगा, बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। यहां पर भुवन बाम है, इसकी फोटो ली और यहां पर इस देख सकते हो इस तरीके से कर देना है, और यहां पर आपको इसके नीचे लिख देना है बीबी की वाइज। यहां पर लिख दिया और इसका कलर आपको चेंज कर देना है, कलर पे जाओगे ब्लैक कर दोगे, इस तरीके से कलर चेंज कर देना है। अब यहां पर देख सकते हो, यहां पर इस तरीके से आपको इसके नीचे लगाना है, फिर से आपको एनिमेशन लगाना है। फोटो पे क्लिक करोगे, इन एनिमेशन में जाओगे, स्लाइड राइट करके 1.1 पे कर देना है, उसके बाद बीबी की वाइंस लिखा है, एनिमेशन जाओगे, स्लाइड लेफ्ट कर दिया और 1.1 इस तरीके से कर देना, ये देख सकते हो। अब यहां पर इस तरीके से आया, टॉप 4 आ गया, उसके बाद टॉप 4 पे जो भी आएगा इस तरीके से बीबी की वाइंस आ गया, उसी तरीके से यहां पर आपको उसके चैनल का जो भी है स्क्रीनशॉट लेके लगा देना है। लेयर पे जाओगे, मीडिया पे जाओगे, उसके बाद यहां पर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया बीबी की वाइंस का, उसके बाद यहां पर करके एनिमेशन में जाओगे और ड्रॉप आपको यहां पर कर देना है इस तरीके ड्रॉप। अब देखता हूं मैं पूरी वीडियो प्ले करता हूं, 5 आ गया, 5 आने के बाद यहां पर संदीप महेश्वरी का इस तरीके से आया, उसके बाद इसके चैनल का आ गया ये देख सकते हो, उसके बाद यहां पर टॉप 4 पे आ गया, उसके बाद यहां पर बीबी की वाइंस आ गई, जो भी चैनल का नाम है उस तरीके से चैनल का वो आ गया, मतलब जो भी जितने मिलियन सब्सक्राइबर है। इस तरीके से आपको वीडियो बनानी है, मैंने आपको सिखा दी, आपको ऐसे ही टॉप 1 तक बनाना है, उसके बाद आपको वीडियो को इंटरेस्टिंग करने के लिए म्यूजिक लगाना है। म्यूजिक आपको कहां से मिलेंगे, यूट्यूब लाइब्रेरी से। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी म्यूजिक लगा देता हूं, यहां पर कोई भी म्यूजिक मैं एग्जाम्पल के तौर पर लगा देता हूं, ताकि एक वीडियो इंटरेस्टिंग बन जाए, मजा आ जाए देखने में वीडियो और अच्छा लगे। यहां पर मैं कोई भी म्यूजिक लगा देता हूं, यार मेरे पे अभी म्यूजिक नहीं है, जैसे मैंने म्यूजिक लगा दिया, और यहां पर आप इसी तरीके से म्यूजिक लगा के प्ले कर दो, ये देख सकते हो। देख रहे हो, और म्यूजिक आपको इस तरीके से लगाने हैं, मोटिवेशन वाले कुछ अट्रैक्टिव म्यूजिक लगाने हैं, जिसमें मजा आ जाए मेरे भाई वीडियो बनाने में। इस तरीके से वीडियो बनाकर इस पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे और यहां पर सेव एज वीडियो करोगे, आपकी वीडियो सेव होने लग जाएगी, बिल्कुल कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसी तरीके से आप इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर, अदर कंट्री में वीडियो बनाकर, अदर कंट्री की फोटोज लेकर वीडियो बना सकते हो। और मान लीजिए अगर आपकी वीडियो अदर कंट्री में प्ले हो गई, कोई देख रहा है, तो अगर आपकी वीडियो पे व्यूज भी कम आए तो आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी, क्योंकि वहां पर आरपीएम सीपीएम बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है। तो इसी तरीके से आप फोटो से लेकर वीडियो बनाकर अच्छा खासा जो है काम कर सकते हो, बिल्कुल गजब की वीडियो है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना भाई, और चैनल पर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर लेना मेरे भाई ऑन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।